हैपनिंग हो गई। ट्राई किया मैंने कि आज ब्लॉग बनाओ 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 बनाओ, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम नहीं। बारिश का जो आवाज़ है, हमारी छत जो है इस तरह की है, मतलब नीचे सीमेंट है और ऊपर पतरा है, ब्लू कलर वाला पेड़ वाइट वाला, तो उसके वजह से बारिश का आवाज़ जो है वो बहुत आता है। इसकी वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। अभी भी मेरे पीछे अगर देखो तो बारिश चालू है, तो पता नहीं यार आगे कैसे होगा। पूरा बारिश का मौसम है। माइक का टेस्ट किया था मैंने तो उसमें भी आवाज़ आ रही थी, इसके लिए मैं वीडियो बना नहीं पाया सुबह से। अभी स्टार्ट किया है। हे गाइस, कैसे हैं मंडई, वेलकम टू माय चैनल अनदर व्लॉग विद नवीन। सुबह उठा था फिर सो गया, संडे है, बहुत बोरिंग दिन गया। अपने एक सब्सक्राइबर ने बोला था नवीन भाई अगला ब्लॉग कब आ रहा है, मैंने उसको कमेंट किया था कि संडे को ये ब्लॉग आएगा, तो इसलिए ये ब्लॉग है भाई। ये ब्लॉग जो डेडिकेट है वो राहुल उपाध्याय भाई को है। सुबह उठे, चाय नाश्ता किए, फिर सो गए। अभी जाएंगे खाना वाना बनाएंगे। अभी क्रिफर और जेनिफर को बाहर लेके गया था घूमने के लिए, लेकिन बारिश इतने चालू है कि पूछो मैं घूमने का नाम नहीं ले रही। तो थोड़ा देर घुमाया, फिर यहाँ वहाँ उन्होंने एक नंबर कर लिए, दो नंबर करने का टाइम नहीं मिला, एक नंबर करके रिटर्न आ गए। और अभी अच्छे से पूछताछ लिए उनको। अपने डॉगी को लेके आया था यहाँ पे घुमाने के लिए, लेकिन अचानक से थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है, तो मुझे सहारा लेना पड़ा इस ब्रिज का। ब्रिज तो ये स्टेशन के इस तरफ से उस तरफ गया था। मैं आया था यहाँ पे अपना व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत हवाएं चल रही है, शायद आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी। तो आते ही मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जो टैंक बोलते हैं वो है, और इसके अंदर जब मैं गया था तो ये ऊपर जाने की मैं सोच रहा था, लेकिन यहाँ आने पे मुझे दिखा कि ये जो इधर की सीढ़ियाँ है स्टार्टिंग की, वही टूटी हुई है। यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है, मेरे कुत्तों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा होगा, अभी भोग रहा था माय डॉग, लेकिन बेचारा अच्छा है, कुछ कर नहीं रहा है। हाय, तो ऊपर जाने की सोच रहा था मैं, देख सकता हूँ स्टार्टिंग की टूटी हुई है। चलिए चलते हैं बाहर, वरना ये लौंडा मेरे लौंडे को मतलब झगड़ा करेंगे। एक पैकेज मंगाया था मैंने अमेज़ॉन से, वो घर पे आ चुका है, तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अपना इंतज़ार ख़त्म हो गया है, पैकेज आ चुका है, और पैकेज जो है सॉरी गाइस अनबॉक्सिंग कर दिया है। अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो आपको अपने मेन चैनल पे मिल जाएगा, ऑल टाइप्स रिव्यू में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, अब वो दिखा दें चीज़ जो कि मैंने मंगाई है।
पिता ने अभी एक चीज़ नोटिस करवाई मुझे कि मैं वीडियो निकालते समय ऐसा 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 बहुत कर रहा हूँ। देखा होगा आपने भी, नोटिस किया होगा। तो वो चेंज करेंगे, लाइफ है, वीडियो है, आदत लगनी बाकी है। अभी धीरे 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 सब चीज़ों की आदत लगनी, चेंज होनी बाकी है, चेंज हो जाएगी। बहुत दिनों पहले एक पेड़ लेके आया था, मोगरे का झाड़ है जो लेके आया था, जो लगाना है मुझे, लेकिन लगाने के लिए समय नहीं मिल रहा। आजकल काम इतने बढ़ गया है, मैं हर एक चीज़ के लिए कैसे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो जल्दी लगाएंगे, बेचारे को ऐसा रखा हुआ है, मतलब सुखाना नहीं चाह रहे, लेकिन क्या करे। अभी ये पानी में, मुझे एक आंटी ने बोला था कि पानी में ऐसा रखने से जल्दी सूखेगा नहीं। कम से कम इसको एक हफ्ता हो गया, मतलब लगा नहीं पा रहा। लगाएंगे इसको, अभी लगा हुआ थोड़ी देर में, इतना समय नहीं मिल रहा यार, क्या करें। लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। शब्बा गेर सायनारा।